नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राज्य में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ प्रेस वार्ता कर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा, हमारे राज्य 150 साल पीछे आ गए हैं। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में मात्र 5-6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान लैंप, डिबरी, मोमबत्ती और मिट्टी के घड़े को सामने रख प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। संजय सेठ ने कहा, बिजली की समस्या देख व्यापारी भाग रहे हैं। इस राज्य से हमारी सरकार में बिजली समस्या नहीं थी। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के किसान, उद्योगपति, छात्र, आम लोग भी परेशान हैं। बिजली के चलते शहरों में पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। आपसे सत्ता नहीं संभल रही है तो सत्ता छोड़ दें, हेमंत सोरेन। संजय सेठ ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को सांसद संजय सेठ घड़ा, डिबरी उपहार में देंगे। विपक्ष इन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेगी। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अपने और अपने मंत्रियों के लिए करोड़ों की लागत से बंगला बनवाया जा रहा है। इन सब का लेखा जोखा देना होगा मुख्यमंत्री को। जानते हैं कि देश के अंदर सबसे खराब स्थिति बिजली की उत्तर प्रदेश की थी किसी जमाने में। आज उत्तर प्रदेश अपने बल पर सरप्लस बिजली पैदा कर रहा है और हम कहां हैं? देश हमारे कोयले से रोशन हो रहा है और हम सब झारखंड की सरकार का प्रकोप भोग रहे। आपको याद होगा, से 6 महीने पहले भी यही स्थिति थी। हम सब जितने जनप्रतिनिधि थे, हम सब बिजली विभाग के अधिकारियों को हम सब ने घेरा था जाकर, और उसके बाद एक आध ठीक हो गई थी बिजली। लेकिन पिछले 2-3 महीने से आप देखो, और विशेषकर इन 15 दिनों में, जब तापमान, जब सूर्य पूरी ताप में है और उसमें बिजली की आपूर्ति भयंकर रूप में, आप कह सकते हो कि बच्चों की पढ़ाई, व्यापार, उद्योग सब चौपट हो रहे हैं। और आप तो नाटक कर रहे हो कि हम पूंजी निवेश कहीं यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। जो यहां व्यापार, जो उद्योग है, वो भागने के कारण पे आप बिजली नहीं दे पा रहे हो। अब बिजली तो छोड़ दो, अभी 2 दिन पहले समाचार आया कि आप बिजली के दाम भी बढ़ा रहे हो। आप क्या स्थिति है? आप बिजली दे नहीं पा रहे हो, आप जवाब दो। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सरकार से और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप बिजली क्यों नहीं दे पा रहे? आपने वादा किया था, वैसे तो कोई वादे में आप खरे नहीं उतरे। जब राज्य की जनता को आप बिजली और पानी नहीं दे सकते, सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। और इसीलिए आज आप देखो, हम प्रतीकात्मक रूप से डिबरी लेके आए हैं। ये डिबरी लेके आए और आप देखो, मैं ये पंखा भी लेके आया हूं, क्योंकि अब यही एक सहारा है। डिबरी एक सहारा और ये हाथ का पंखा एक सहारा। गर्मी में क्या करेंगे? पंखे से हवा लेंगे। गांव, गरीब, किसान, शहर के लोग, जब छात्र, महिलाएं, और ये डिबरी से काम चलाएंगे। और घड़ा उलट के लग दिया हमने कि पानी नहीं है भाई, घड़े का क्या काम है? आज ये तीनों चीज, ये पंखा हाथ का, ये डिबरी और ये घड़ा, ये तीनों हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां पहुंचाने वाले हैं। कि आप इस युग में लेके आ गए जहां डिबरी जलती थी, जहां मोमबत्तियां जलती थी, जहां हाथ का पंखा घर में, हमारी आज से, हम जब छोटे बचपन थे, आज से 50 साल पहले तो घर में हमारी दीदी बहन तिलक बिंद के ये बनाती थी पंखा। इस युग में आ गए, कुमार भैया रो रहे हैं कि घड़ा हमारा नहीं बिक रहा है। पानी नहीं तो घड़ा कहां से बिकेगा? ये पाप कौन झेलेगा? पाप कौन, इसका पाप का भागीदार कौन होगा? तो स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से, मीडिया कर्मी के माध्यम से, और जो मेरे साथ फेसबुक लाइव से जो जुड़े हैं, कि मित्रों, यह 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप बैठे, सबसे पहला छल आपने किया किसानों के साथ, जो रघुवर दास की सरकार ने 5,000 रुपए एकड़ देने का काम किया था, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए, सबसे पहले आपने उसको बंद किया। उसके बाद महिलाओं के लिए जो रजिस्ट्री थी उसको बंद किया, और आपने वायदा किया था बेरोजगारों, रोजगार, युवाओं के साथ छल किया। अब आप
राज्य की 3.5 करोड़ जनता के साथ छल कर रहे हो कि 24 घंटे बिजली देंगे? ये पाप, इस पाप का भागीदार कौन है? इसके भागीदार आप और कांग्रेस पार्टी है, जो राज्य की जनता को बिजली मुहैया नहीं करा पा रही। छात्र परेशान है, गृहणियां परेशान है, युवा परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, किसान परेशान, उनका पंप नहीं चल रहा, उद्योग धंधे जो छोटे छोटे उद्योग वो परेशान है, कहां से उत्पादन होगा? हम तो भाग रहे, आप सोशल मीडिया उठा के देखो, बोले हम तो रांची से जा रहे, हम तो यहां से पलायन कर रहे। क्या पलायन करने के लिए आपको वोट दिया था, मैंडेट दिया था जनता ने आपको? और बिजली नहीं होने के कारण भयंकर हाहाकार पानी का है, और इसमें सबसे बड़ा दोष नगर निगम का है। हमारे पूर्व पार्षद बैठे हैं, पहले जनरेटर लगाकर पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन अब जनरेटर भी नहीं लग रहा, तो बिजली रहेगी नहीं, जब बिजली नहीं रहेगी तो पानी कहां से सप्लाई करोगे?